Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Class 6, Chapter 1, that is the Early Man. Okay, so जो earlier जो primitive people थे, उनको thousands of years लगे थे to became the civilized one or the civilized man. To be very specific, अगर हम बात करें, it took the 300,000 years लगे थे उनको to became the food producer from the food gatherer. ओके उनको फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर को बनने में 300,000 years लगे थे. बट वंस दे बिकेम द फूड प्रोड्यूसर, उसके पास जो टाइम पीरियड लगा था उनके एडवांसमेंट में, और उसके बाद जो थे वो क्विकली एडवांस किया था उन्होंने. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, जो पहले फूड गैदरर के टाइम से फूड प्रोड्यूसर बनने तक उनको काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन उसके आफ्टरवर्ड्स उन्होंने क्विकली एडवांस किया था. इट इज़ बिकॉज जब वो फूड गैदरर थे वो टोटली डिपेंड थे natural resources पे और the natural produce that was produced by the surroundings or the environment. लेकिन जब वो food producer बन गए तो क्या होने लगा, तो they started controlling their surroundings. अब जो भी utility की चीज़ें थी वो खुद उसको control करके उसको produce करने लगे to the maximum possible extent. That was the reason उन्होंने afterwards उसके that is after becoming the food producer उन्होंने quickly advance किया. Okay, नाउ हम थोड़ा बिगनिंग से देख लेते हैं. जो बिगनिंग में अगर हमने देखा जो मेंस थे वो नोमैड्स थे. ओके नोमैड्स मींस वॉन्डर पीपल, और वो ग्रुप में वॉन्डर करते थे. ओके नाउ व्हाई ग्रुप, बिकॉज ये सेफर होता था ग्रुप से, ग्रुप में रहना इन कंपैरिजन वॉन्डर अलोन. ओके बिकॉज उस टाइम जो थी लाइफ थी इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट लाइफ थी, बिकॉज जो मैन थे और जो पीपल थे वो एंटायरली डिपेंड थे नेचुरल प्रोड्यूस पे. Entirely depend थे natural produce पे. Now एक question आता है कि why जो nomads से वो wander करते थे, क्यों वो एक जगह नहीं रुके रह सकते थे. Look जो wander करने का reason है, अगर वो यहाँ पे एक एक A reason पे हैं, एक B reason पे हैं, ठीक है, वो wander क्यों करते थे from A to B place. Look उस time क्या था, वो entirely depend थे अपने natural produce पे. अब जो एक reason A है उसकी जो productivity है या फिर जो उसके resources हैं वो limited है, ठीक है, और उनको रेप्लेनिश यानी दोबारा बनने में टाइम लगता था. लेकिन जब एक जगह पे अगर कोई ग्रुप रह रहा है तो उसके सारे के सारे रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है. ऑन दी अदर हैंड वो रिसोर्सेज उस स्पीड से रेप्लेनिश नहीं हो रहे हैं जितनी स्पीड से उनको यूज़ किया जा रहा है. तो एक टाइम क्या आएगा जो एक जगह के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. दैट इज़ वाई जो ये जो पीपल थे वो वॉन्डर करते थे फ्रॉम ए प्लेस टू other places. Okay, now जो earlier people थे that is the nomads, उनका जो settlements था वो natural caves पे था. natural caves को काफ़ी prefer करते थे. okay, उनके shelters जो थे small shelters थे, ठीक है, और sometimes वो large trees का भी use कर लेते थे उन पर as a shelter लेने के लिए. okay, at that time वो afraid होते थे जो भी means जो भी natural phenomena था, ठीक है. अगर हम weather का देखें सो जो नेचुरल कैलमिटीज आती थी उससे वो लोग डरते थे, सच एज थंडर, लाइटनिंग, ठीक है, फ्लड्स एक्सेट्रा. तो उन सब चीज़ों को उनकी रीजनिंग नहीं पता थी, दैट इज़ वाई वो एफ्रेड होते थे. एट द सेम टाइम्स वाइल्ड एनिमल्स से भी काफ़ी ज़्यादा वो एफ्रेड होते थे. ओके सो और ये जो केव्स थी, जो नेचुरल केव्स थी, वो वहाँ पे जो नेचुरल केव्स जो यूजली टोपोग्राफी और ज्योग्राफी में जो पाई जाती हैं वो नियर द रिवर, जहाँ पे वाटर की सप्लाई ईजली हो जाए, वो लोग ऐसी नेचुरल केव्स को प्रेफर करते थे. नाउ ये जो केव्स थी नोमैड्स की उसके आगे वो फायर लिट कर देते थे. नाउ दिस फायर सर्व्स द टू पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग विंटर में वो उनको वार्मनेस प्रोवाइड करती थी. ओके एट द सेम टाइम्स इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. नाउ ड्यूरिंग जनरल डेज और जो नाइट्स में तभी वो फायर लिट कर देते थे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. ओके अच्छा ये जो डिस्कवरी ऑफ फायर है इट वाज एन एक्सीडेंटल और वो प्लान नहीं है. अब ये कैसे हुआ होगा, मोस्ट पॉसिबली टू स्टोन्स के स्ट्राइक होने से. जो स्टोन्स था मोस्ट पॉसिबली जो इस टाइम जो स्टोन सबसे ज़्यादा यूज होता था दैट वॉज द फ्लिंट स्टोन. नाउ जब टू पीसेस ऑफ स्टोन्स को स्ट्राइक किया होगा सो इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्पार्क वॉज जनरेट, और जो ड्राई लीव्स होंगी उसकी हेल्प से फायर
फायर जनरेट हुआ. सो इन दिस वे इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ फायर. ऑल्दो ये तो एक्सीडेंटल था, बट द डिस्कवरी ऑफ फायर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एज इट्स ग्रेटली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मैन पैटर्न ऑफ लिविंग. उसने काफ़ी हेल्प किया. एज वी कैन से इट वॉज ऑल्सो यूज एज ए टूल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज वो केव्स के आगे जला देते थे. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टूल्स एंड द वेपन्स यूज दिस अर्ली मैन्स. ओके, नाउ जो फ्लिंट था इट वॉज द मोस्ट कॉमनली स्टोन यूज ड्यूरिंग दैट टाइम. सो वाई ये जो फ्लिंट को यूज़ करते थे, बिकॉज ये जो स्टोन था इट वॉज क्वाइट हार्ड, जो कि ईजिली चिप हो जाता था. तो ये ईजी हो जाता था टू शेप देम इन टू वेरियस फॉर्म्स. एट द सेम टाइम ये जो फ्लिंट था उसको अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स के साथ यूज करके वेरियस टूल्स एंड द वेपन्स बनाते थे, और उसको फायर लिट करने के लिए भी यूज़ किया जाता था. सो फ्लिंट वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्टोन दैट वॉज यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड. अच्छा, ये जो इस टाइप के जो स्टोन टूल्स हैं वो हमें मिलते हैं फ्रॉम द सोहन वैली ऑफ पंजाब. यहाँ से ऑन द अदर हैंड जो कश्मीर वैली है वहाँ पे हमें जो वेरियस टूल्स और जो वेपन्स मिलते हैं इट वॉज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के बोन्स के ये टूल्स और वेपन्स मिलते हैं. ओके, नाउ ये जो बेसिकली स्टार्टिंग जो टूल्स थे इट वॉज हेल्ड इन द मैन फिस्ट. वो फिस्ट में आ जाते थे, सच एज हैमर्स, चॉपर्स होते थे, एक्स होते थे, एक्स हेड्स होते थे. ओके, नाउ जब स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने टूल्स को स्टार्ट किया था बनाना, तो उसमें कोई भी हैंडल नहीं होता था. सो इट वॉज विदाउट हैंडल. ठीक है, उनसे वो क्या करते थे, वो कटिंग ट्रीज करते थे. लेटर फिर उन्होंने इसको हैंडल ज्वाइंट कर लिया टू बी मेक देम मोर इफिशियंट. ओके, सो इसका जो ये जो टूल्स यूज करते थे इसका एडवांटेज क्या था, बेसिकली इट कट डाउन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फास्टर. ठीक है, एट द सेम टाइम टू किल एनिमल्स और टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमल्स. ओके, टू डिग अर्थ, अर्थ को डिग करने के लिए, और टू शेप वुड एंड स्टोन एज वेल. सो ये मोस्ट पॉसिबली उसके एडवांटेज से, दैट इज द एडवांटेज और बेसिकली यूजेस से टूल्स एंड वेपन्स के. नाउ स्मॉलर पीस ऑफ स्टोन्स जो मींस बचता था, जो टू स्टोन्स को मींस उसको यूज करने के लिए जो उसका रेसिडुअल मटेरियल्स बनता था, जैसे कोई भी एक या फिर टूल्स बनाया या कोई भी एक वेपन बनाया, तो जो स्मॉलर पीस ऑफ स्टोन्स जो होते थे, जो चिप्स होते थे, वो जो ईजिली निकल आते थे, उनको भी यूज़ किया जाता था. चिप्स एंड फ्लेक्स को उनको एज ए नाइफ्स की तरह यूज़ किया जाता था, बिकॉज वो शार्प्स थे, और स्क्रैपर्स की तरह यूज़ किया जाता था फॉर फाइनर वर्क, फाइनर वर्क के लिए. ठीक है, और उसको एरोहेड्स और बेसिकली स्पीयर्स उनको उनके लिए भी यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट इज क्लोथ्स. वो किस टाइप के क्लोथ्स यूज़ करते थे, बेसिकली दे यूज टू वेयर लिटिल क्लोथ उस टाइम. ठीक है, और ड्यूरिंग बेसिकली विंटर्स में टू कीप देम वॉर्म, और या इन ड्यूरिंग द रेनफेड सीजन और ड्यूरिंग कोल्ड सीजन. और ये जो टू जो क्लोथ होते थे इट्स यूजली मेड अप ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज और समटाइम्स द लार्ज लीव्स वर ऑल्सो यूज्ड. डियर स्किन वॉज ऑल्सो यूज, जो एनिमल्स के जो स्किन होते थे उसमें डियर स्किन भी वो यूज करते थे. नाउ लेट्स सी द बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. हमने देख लिया द अर्ली लाइफ दैट इज द नोमैड्स, अब हम देखेंगे बिगनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ. लुक, जो मैन थे उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इन्वायरमेंटल नॉलेज थी वो इंक्रीज हुई. नाउ दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द मोर कम्फर्टेबल वे ऑफ लिविंग. अब वो कम्फर्टेबल वे ऑफ लिविंग देखने लगे, ताकि उसके लिए उनको ज़्यादा घूमना ना पड़े, ज़्यादा रिस्की ना हो, सो और वो सेटल हो जाए. सो उसके लिए उनको चाहिए थी लास्ट नंबर ऑफ डिस्कवरीज, दैट इज हाउ टू ग्रो प्लांट्स, ग्रेन्स एटसेट्रा, जो कि उनको एक मीन्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई करे नेचुरल प्रोड्यूस. ओके, सो नाउ जो एग्रीकल्चर का स्टार्ट कैसे हुआ होगा, दैट इज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ जो सीड है, नाउ व्हेन इट्स गोज इनटू सॉइल और जब उसको वाटर मिला, वाटर इन द सॉइल, सो व्हाट विल हैपन्स, प्लांट्स ग्रो. जो नोमेड्स थे उन्होंने ये जो स्टडी थी बेसिकली बहुत ही डीपली स्टडी किया इस प्रोसेस को. सो अल्टीमेटली इट्स लीड टू द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ, जो नोमेड्स थे जो वॉन्डर करते थे, अब दे नो लॉन्गर नीड
वॉन्ड्रिंग, अब उनको घूमने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. सो इन दिस वे में सेटल वे ऑफ लिविंग और द सेटल वे ऑफ लाइफ स्टैब्लिश और स्टार्ट हो गई. ओके, नाउ ये जो चेंजेस थे, इट टुक द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इन वेरियस टाइम्स, मोस्ट प्रोबेबली इट टुक द 4 to 5,000 ईयर्स एगो, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई. नेक्स्ट स्टेज जो था वो टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट हुई अंडर द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ. नाउ नोमैडिक जो मीन्स वे ऑफ लिविंग थी, उसमें क्या होता था, जो ये जो वाइल्ड गोट्स थी इनको सिर्फ और सिर्फ हंट्स किया जाता था फॉर देयर मीट के लिए, हंटेड फॉर देयर मीट. लेकिन सेटल वे ऑफ लाइफ में टेम किया गया ये जो गोट्स को, अब सिर्फ और सिर्फ मीट तो मिलेगा ही मिलेगा, एट द सेम टाइम्स उनको मिल्क भी मिलता था. वो फर्दर उनको ब्रीड करते थे टू प्रोड्यूस द मोर नंबर्स ऑफ गोट, एट द सेम टाइम फ्लैश भी यूज़ कर लेते थे ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन, जब मोस्ट प्रोबेबली जो नेचुरल प्रोड्यूस जो अदर जो ग्रीन वेजीज थी वो अवेलेबल नहीं थी. एट द सेम टाइम स्टॉक को भी उन्होंने टेम करना स्टार्ट किया था फॉर देयर प्रोटेक्शन. ठीक है, अब वो कैटल को भी टेम करते थे फॉर प्लगिंग देयर फील्ड और यूज इन देयर कार्ट. ओके, नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ मेटल अंडर द सेटल्ड लाइफ. नाउ जो फूड था उसको मीन्स जो फूड प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जो फील्ड है वो एक आपको प्रिपेयर करनी है फॉर द कल्टिवेशंस. तो उसके लिए आपको फील्ड को क्लियर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम जो उसका जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको भी डिस्पोज करना पड़ेगा. सो जो क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए आपको वेरियस टूल्स चाहिए, वेरियस हार्ड टूल्स चाहिए, और जो उसको मीन्स जो उसको डिस्पोज करना है उसका वेस्ट, उसके लिए डिस्कवरी ऑफ फायर ऑलरेडी हो चुका था, उनको उसकी नॉलेज थी. तो नाउ ये जो क्लियर करते थे पहले स्टोन टूल से करते थे और स्पेशली स्टोन एक्सेस से करते थे. नाउ वो इतने इफिशियंट नहीं थे, जो यूजली पोक करते थे पहले स्लैश एंड बर्न करते थे, पहले उसको स्लैश कर लिया, काट दिया, स्टोन एक्सेस से काट दिया जितना भी हो सका, उसके बाद उसको फायर लगा दिया. तो इन दिस वे में वो जो कल्टिवेशन फील्ड थी वो प्रिपेयर करने लगे. नाउ जब मेटल्स की डिस्कवरी हुई स्पेशली द कॉपर, और लेटर इस कॉपर को कॉपर प्लस टिन और जिंक को मिला के और लेड को मिला के एलॉय बनाया गया. ओके, दैट इज द ब्रॉन्ज. सो ब्रॉन्ज के जब नाइफ्स और जो एक्सेस जो प्रोड्यूस हुए एज ए टूल्स की तरह, वो काफ़ी शार्पर थे, हार्डर थे, मोर इफिशियंट थे अगर हम कंपेयर करें स्टोन टूल्स को. ओके, सो नाउ अब हमें ये नहीं पता है हाउ लंप ऑफ द ओर मेल्टेड, उसको कैसे मेल्ट किया जाता था और जो मेटल कैसे डिस्कवर हुआ, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है. इस टाइम के जो टाइम पीरियड्स थे और जो एजेस थी उनको, जो भी हार्डेस्ट मटेरियल नोन होता था मैनकाइंड को उस टाइम पे, उसके नाम से जानी जाती थी, सच एज स्टोन एज. सो इन स्टोन एज में स्टोन वॉज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टू द पीपल. ओके, अदर इज द कैल्कोलिथिक. सो इन द कैल्कोलिथिक एज जो कॉपर था, और कॉपर मिक्स विद लेड और टिन इट मिक्स द एलॉय, तो वो एक सबसे हार्डेस्ट मटेरियल नोन था उस टाइम पीपल को. सो कैल्कोलिथिक एज उसके नाम पे. ओके, नाउ जो कैल्कोलिथिक एज में कॉपर तो यूज होता था, एलॉयज भी यूज होता था, एट द सेम टाइम्स स्टोन टूल्स वॉज ऑल्सो यूज, बट उसकी नेम उसको कैल्कोलिथिक एज कहते थे बिकॉज एट द टाइम द कॉपर आर द ब्रॉन्ज जो हार्डेस्ट मटेरियल नोन था पीपल को. ओके, नाउ जो कैल्कोलिथिक एजेस के जो एविडेंस मिलते हैं, वी गेट फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम द ब्रह्मागिरी. ब्रह्मागिरी इट इज इन मैसूर, वो मैसूर में है. अदर इज द नवादा तोली, इट इज इन नर्मदा. और इसकी यूटिलिटी क्या है, इट्स यूटिलिटी दैट इट्स हेल्प्स इन ट्रैवलिंग और फॉर ट्रैवल पर्पसेस. अदर इज वो कार्ट में यूज होते थे, दैट वॉज ड्रॉन बाई द एनिमल. सेकेंड इज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स. ओके, ठीक है. नॉर ये जो कार्ट का जब इन्वेंशन हुआ, सो अर्लियर पीपल वॉक करके जाते थे या राइड करके जाते थे, नाउ जब कार्ट हो गए तो वॉज ड्रॉन बाई द एनिमल, सो इसके ट्रैवलिंग ईजी हो गई और वो ज़्यादा डिस्टेंस भी कैरी करने लगे इन कंपेरिजन टू वॉकिंग. ओके, सो अच्छा, जो व्हील, इट प्लेड इन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल्स दैट इट ग्रेटली इम्प्रूव द पॉटरी मेकिंग. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो पॉटरी मेकिंग प्ले में भी उन्होंने उसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया.
Okay, now next is the early villages. The early villages. So जब early villages से जो उनकी settled life थी, it brought the many changes. उसमें काफ़ी changes आए थे जब वो early villages से settled life में transform हुए थे. So जो earlier हमने देखा था, they were living in the large groups, nomads थे during the settled life. ये जो large group में वो अभी भी रहते थे, but now this group more functioned more through a family unit. अभी जो group था वो as a family unit की तरह function करने लगा था, rather than जो nomads में थे और जो early villages में थे वो सिर्फ उसके एक group की तरह करते थे. Now this time means they function more through a family unit as well. Okay, now number of the families who lived in villages, so number of families एक means आ गई, तो एक village formed हुआ. और जो ये जो village था, ये जो उसका जो basis था, it was based on the mutual protection. हम mutual protection देंगे एक दूसरे को, at the same times help करेंगे for building herds, grew fruits or domesticated animals all over the India. और especially ये कहाँ होता था, ये river valleys और plains में होता था जहाँ की land fertile होती थी, जो support कर सके settled life को. Okay, now ये जो villages होते थे, जो number of families के closeness से आके बने थे, so these villages are the small during settled life. Small herds होती थी उसमें, और ये जो herds होती थी ये भी काफ़ी क्लोज होती थी, और इसका जो purpose था to defend them from the wild animals से बचने के लिए इसको बहुत ही पास बनाया जाता था, क्लोज बनाया जाता था. सेकेंड इज, ये जो हर्ट्स हैं और ये जो मीन्स विलेजेस हैं, इट बिल्ड स्लाइटली हायर ग्राउंड पे बनाया जाता था इन कंपेरिजन टू दी जो उनकी कल्टिवेशन फील्ड होती थी या फिर जो सिंपली फील्ड होती थी, वो उसको थोड़ा सा लोअर पोर्शन होता था. सो माई बी पॉसिबल सम मीन्स फ्लड आ जाए तो उसकी वजह से, प्रोटेक्ट करने की वजह से, और टू उसको अच्छे व्यू के लिए, काफ़ी दूर तक देखने के लिए उसको कुछ हाईली स्लाइटली हायर ग्राउंड पे बनाया जाता था. नाउ ये जो हर्ड्स होती थी, इट वॉज थैस्ड, ये थैस्ड होती थी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्ट वन रूम्स आर देयर, और इन हेड्स में एक ही रूम होता था. समटाइम्स पोल्स वॉज ऑल्सो देयर टू वर्क एज ए फ्रेम की तरह उसको यूटिलाइज करते थे पोल्स को. और इसमें भी एक कॉमन एलिमेंट था जो अर्लियर लाइफ में था, जो फायर था, इट वॉज लेफ्ट, उसको जलाए रखते थे. सो फायर सर्व द टू पर्पस, कुकिंग और स्लीपिंग में भी, वो ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम्स इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, उसको प्रोटेक्ट करता था. ओके, अच्छा, इस टाइम जो अर्लियर जो हमने नोमैड्स में देखा था, जो फूड्स था वो रॉ फूड्स था. नाउ विद द डिस्कवरी ऑफ फायर जब हो गया, और स्पेशली इन सेटल्ड लाइफ में फूड कुक्ड होने लगा, प्रॉपरली कुक्ड फूड होने लगा. ओके, और एट द सेम टाइम्स जो ग्रेन्स अब सेटल वे में जो वो कल्टीवेशन करने लगे, जो उससे ग्रेस सरप्लस ग्रेस प्रोड्यूस हुए, तो उन्होंने उनको जार्स में रखना स्टार्ट कर दिया. सो ये जो जार्स थी, ये क्ले की बनी होती थी, बेसिकली इट्स अ पॉटरी, ठीक है. और जो लेटर मेटल्स की भी हमें उसको, दैट इज जो मेटल्स के भी जार्स मिले हैं ड्यूरिंग द कैल्कोलिथिक पॉटरी, मेटल्स के भी जार्स मिले हैं ड्यूरिंग द कैल्कोलिथिक पॉटरी. ओके, नाउ ये जो क्ले की जो पॉटरी होती थी, इसमें क्या होता था, एक बास्केट होती थी उसके आगे, और उसको मींस उसको क्ले से ढक दिया जाता था, उसको मर्ड से ढक दिया जाता था, और उसको सन बेक कर दिया जाता था, तो कि वो स्ट्रांग हो जाए और वो मींस उसमें ग्रेन्स रखे जाएं. ओके, बट एट द सेम टाइम्स वो वाटर टाइट नहीं था, दैट इज जैसे वाटर उसको पड़ता था वो सारा का सारा मीन्स उसको छूट जाता था, मर्ड उसका डिसॉल्व होके छूट जाता था. लेटर क्या हुआ, लेटर जब फायर इनको इसको ओवरकम करने के लिए फायर बेक्ड पॉटरी और फायर बेक्ड जो बास्केट है, फायर बेक्ड जो जार्स हैं, वो उनका इन्वेंशन हुआ और बेसिकली उनका डिस्कवर हुआ, सो दैट जो वाटर है वो उसमें रखा रहे और उसकी वजह से वो डिसॉल्व ना होके मर्ड चला जाए तो वो रहे. सो लेटर ऑन ये जो फायर बेक्ड पॉटरी भी इस तरीके से इन्वेंट हुआ. नेक्स्ट इज द ड्रेस एंड द ऑर्नामेंटेशन. ना जो कैलकुलेटिक पीपल थे, दे आर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंटेशंस, उनको काफ़ी अच्छा लगता था ऑर्नामेंटेशंस, एट द सेम टाइम्स अपने आप को डेकोरेट करना और डेकोरेशन करना. बेसिकली दे इंजॉयड लाइफ,
ओके दे मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स फॉर बोथ मेन एंड द वीमेन. और जो ऑर्नामेंट्स होते थे इट इज मेड ऑफ द शेल एंड बोन एज वेल और समटाइम्स कंबाइन एज वेल. ओके और जो लीजर टाइम होता था, जो उनका फ्री टाइम होता था, दे यूज टू इन्वेस्ट और बेसिकली दे यूज टू यूज फॉर द फन इन अम्यूजमेंट एक्टिविटीज. ओके नाउ ये जो ड्रेस थी इट वॉज इन्वेंटेड टेक्निक ये जो इस टाइम जो ड्रेस थी जो अर्लियर जो मीन्स डिपेंड होते थे जैसे एनिमल्स स्किन हो गया या फिर आपकी लार्ज लीव्स हो गई जो बार्क्स ऑफ द ट्रीज हो गए बट ड्यूरिंग दिस कैलकुलेटिक पीरियड व्हाट विल हैपन दे इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ स्पिनिंग. अब उनको बुनना आ गया स्पिनिंग एंड वीविंग क्लोथ. ठीक है और उसके लिए जो वो मटेरियल यूज करते थे वो दे यूज द मटेरियल फ्रॉम द कॉटन प्लांट. वो कॉटन प्लांट से उसको मटेरियल यूज करते थे फिर उन्होंने अपना स्पिनिंग और वीविंग करके वो अपनी ड्रेसेस तैयार करते थे. नाउ द टाइप ऑफ द सोसाइटी किस टाइप की सोसाइटी थी इन द सेटल्ड लाइफ में. नाउ जो अर्लीस्ट नोमैड्स थे वो जब सेटल्ड विलेजेस में सेटल्ड हो गए सो ये नेसेसरी हो गया उनके लिए टू मेक सम रूल्स ऑफ कंडक्ट. जब नोमैड्स से सो वो वॉन्डर करते थे तो कोई भी रूल्स की जरूरत नहीं थी. जब वो सेटल्ड लाइफ में आए नाउ इट वॉज रिक्वायर्ड दैट सम सॉर्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए दैट इज सम लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग आया उसमें कि जो ईच पर्सन की जॉब है वो डिसाइड कर दी जाए कि जो हर पर्सन है वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा उसकी जॉब क्या क्या होगी. ओके सच एज जो सम है सम फील्ड्स में काम करेंगे टू प्रोड्यूस द ग्रेन्स और फॉर द कल्टिवेशन एक्टिविटीज. ठीक है सम फॉर द लुक फॉर द एनिमल्स सम जो पर्सन होंगे वो एनिमल्स के लिए लुकेंगे. ओके सो सम हर्ट्स बनाएंगे सम टूल्स बनाएंगे. इस तरीके से जो सारी एक्टिविटीज़ थी उसको डिवाइड कर दिया गया और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ईच पर्सन को. ओके नाउ ये जो था फर्स्ट टाइम जो ईच पर्सन क्या जॉब करेगा ये कौन लेता था ये भी एक चैलेंज था. सो ये जो डिसीजन था हु शुड टू वॉट. ठीक है अब ये कौन बताएगा कि किसको क्या करना है तो ये विलेज एज ए होल लेता था. विलेज एज अ होल कोई भी एक पर्सन नहीं था जो डिसाइड करता था बट ऑन दी अदर हैंड विलेज एज ए होल. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ नाउ इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि सम सॉर्ट ऑफ लीडर होना चाहिए हमारा जो कि हमें लीड कर सके डिफरेंट फील्ड्स में. ओके सो नीड फॉर द लीडर. ठीक है नाउ जनरली जो इसमें जो लीडर चूज किया जाता था मैन हु गिव द कमांडेड और जनरली ये ओल्डेस्ट मैन होता था ऑफ द विलेजेस. समटाइम्स इट वॉज ऑल्सो evident that some of the strongest or basically the bravest men were also choose as their leader. Village apne leader ko aise unki taraf bhi choose karta tha. Some of the strongest or bravest men jo unko lead kar sakte hain that is the men who have commands. Jo commands de aur wo sab usko obey kare. One more thing jo women hai women's work in the field. Theek hai jo women's hai wo fields mein kaam karti thi. At the same time they used to look animals as well. नाउ स्पिन और वीव भी करती थी वो. अगर सिर्फ वो पॉटरी मेकिंग की बात करें सो दे पॉटरी मेकिंग तो करती थी बट दे नॉट यूज पॉटर्स व्हील. वो पॉटर्स व्हील को यूज़ नहीं करते हुए हैंडमेड पॉटरी करती थी बट वो पॉटर्स व्हील यूज नहीं करती थी फॉर मेकिंग दी पॉटरीज. नेक्स्ट इज दी रिलीजन. रिलीजन अंडर दी सेटल्ड लाइफ. सो ऑल दो मैन सेटल्ड लाइफ में हो गए थे और सिविलाइज हो गए थे सम सॉर्ट बट स्टिल वो पजल्ड मैन थे. ठीक है सो काफ़ी क्वेश्चंस थे जो उनका आंसर नहीं था उनके पास सच एज द वाई सन राइजेस इन द मॉर्निंग एंड वाई इट सेटल्ड इन द इवनिंग. ऐसा क्यों होता है स्लीप और ड्रीम क्या होता है बर्थ ग्रोथ डेथ हाउ ईयर आफ्टर ईयर जो सेम सीजन है वो वापस आता रहता है सच एज द विंटर्स और द समर और द मानसून. दिस काइंड ऑफ जो सीजन है वो कीप रिटर्निंग क्या रीज़न है उसके पीछे व्हाट आर द लाइफ आफ्टर दैट डेथ के बाद लाइफ है या नहीं. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो अफ्रेड ऑफ थंडर लाइटनिंग अर्थक्वेक एज वेल. सो उनको उसके आंसर नहीं पता थे और वो उसके आंसर्स ढूंढ रहे थे. एट द सेम टाइम्स नाउ जो दोज पीपल थे सम नॉर्मल पीपल्स थे उनको आंसर नहीं पता थे. एट द सेम टाइम दोज आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस सो सम गिव थॉट टू आंसर्स. कुछ जो पर्सन थे उन्होंने उसको बताया कि ऐसा हो सकता है. सम ऑफ द पर्सन
थॉट अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड गिव आंसर दैट माइट बी पॉसिबल. ये हो सकता है कि एक स्काई गॉड हो जो अलाउ करता हो सन टू ट्रेवल अक्रॉस द ईच डे. ठीक है, वो मीन्स उनको अलाउ करता है सन टू ट्रेवल अक्रॉस द ईच स्काई ईच डे. एट द सेम टाइम जो जो अर्थ है और बेसिकली जो अर्थ गॉडेस है वो मदर है हमारी, जो फीड करती है हमारे चिल्ड्रंस को बाय प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स एंड द प्लांट्स. सो जो स्काई गॉड हो गए और जो अर्थ गॉडेस हो गई या फिर मदर गॉडेस हो गई, तो ये जो चीज़ें हैं सब लोगों ने उनको जो बताया कि इस जो क्वेश्चन हम लोग ढूंढ रहे हैं इसके आंसर्स ये हैं, तो ये मस्ट बी वर्शिप, इनको वर्शिप करना चाहिए हमें. ओके, नाउ वर्शिप्स में सम सेक्रीफाइसेस और हिम्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है, सो इन दिस मे जिन्होंने ये थॉट किया था कि ये आंसर हो सकते हैं इसके, सो ये जो मैन थे इट बिकेम्स द मैजिक मैन. इट बिकेम द मैजिक मैन. ठीक है, और वो क्लेम करते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे और बेसिकली जैसा हम आपसे कहेंगे आप वैसा करोगे तो वी विल कंट्रोल वेदर. हम कंट्रोल वेदर कर सकते हैं ताकि हमें मीन्स फायदा हुआ फायदा हो और हमें नुकसान ना हो. एट द सेम टाइम्स वो ऑल्सो क्लेम करते थे दैट दे कैन क्योर इलनेस, ओके, एंड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हार्म. और ये जो लेटर मैजिक मैन थे इट लेटर ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द टाइम वो प्रीस्ट बन गए एंड परफॉर्म द वेरियस सेक्रीफाइसेस. सेक्रीफाइसेस अलोंग विद द हिम्स किस में, ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज कम्युनिटी. ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज कम्युनिटी. नेक्स्ट इज द डेथ. सो ड्यूरिंग दैट टाइम देर वॉज ए नोशन दैट देर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ. आफ्टर डेथ के बाद भी एक लाइफ है. ओके, एट द सेम टाइम्स ये भी नोशन था कि नो वन रिटर्न्स, वहाँ से कोई वापस नहीं आता है. सो व्हेन मेन एंड वीमेन डाइड उनको क्या किया जाता था, उनको बरी किया जाता था इन द ग्रेव्स में. ओके, इन केस अगर चिल्ड्रन डाई हो जाता था और जब मर जाता था तो उसको एक लार्ज पॉट में या फिर एक अर्न में रख के उसको भी बरी कर दिया जाता था ग्रेव में. ओके, समटाइम्स ये जो ग्रेव हैं इनको लार्ज स्टोन स्लैब से कवर्ड कर दिया जाता था. ओके, ना ये जब नोशन था दैट इज द लाइफ आफ्टर डेथ, सो ड्यू टू विच जब जो मैन एंड वीमेन डाई होते थे और उनकी जो भी बिलोंगिंग्स होती थी, जो भी उससे रिलेटेड उनकी चीज़ें होती थी और जो भी चीज़ें यूज आने वाली होती थी, सो वो उनके साथ बरी कर देते हैं उनकी ग्रेव में. सो दैट उनको लगता था कि जो मैन एंड वीमेन हैं जो लाइफ आफ्टर डेथ है उनमें उनका यूज़ करेंगे वो लोग और बेसिकली उनके यूज़ आएंगे. नेक्स्ट इज द कल्चर. नाउ कल्चर, जैसे जो प्रिमिटिव नोमैड्स थे वो सेटल लाइफ में आए सो उन्होंने एडवांस किया. ओके, सो और दे डिस्कवर्ड वेरियस न्यू काइंड ऑफ मैथड्स और द न्यू सॉर्ट ऑफ मैथड्स फॉर डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबल एंड ईजी. बट एक जो थिंग्स थी वो जिसमें लैक करते थे जो कि एट द सेम टाइम्स उनको प्रिवेंट करती थी फ्रॉम एडवांसिंग क्विकली, क्विकली एडवांस करने से, एंड दैट वॉज द राइटिंग. सो उनको उस टाइम राइटिंग नहीं आती थी, नहीं पता थी, ड्यू टू विच जो उनकी नॉलेज थी और जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी लिमिटेड रही थी. ठीक है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी और जो नॉलेज थी इट वॉज क्वाइट लिमिटेड. सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी में या वहाँ पे जो एक एरिया में जहाँ पे वो लोग रहते थे तो वहीं पे लिमिटेड थी. ऑल द वो इट ट्रांसमिट ओरली, बट वो ओरली ट्रांसमिट करते थे फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, बट विद द लैक ऑफ राइटिंग, जो उनको राइटिंग नहीं पता थी वो राइट डाउन नहीं करते थे. ड्यू टू विच अगर वो ऐसा राइट डाउन करते तो वाइड एरिया और बेसिकली द वाइड लोगों में उनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो स्प्रेड होती, बट ऐसा नहीं हुआ. और लेटर राइटिंग डिस्कवर्ड हुई विद द एमर्जेंस, जब सिटीज एमर्ज्ड हुए देन विद द पैसेज ऑफ टाइम राइटिंग एमर्ज हुई, देन जो लेटर पीपल्स थे वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइटिंग के थ्रू मीन्स सेव करके रखने लगे, सो दैट जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो मोर लोगों तक पहुँचे और स्प्रेड हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली मैन, चैप्टर फर्स्ट ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री. नेक्स्ट इज द टूल्स
used by the early people. So for thousands of years of man's early history, जो remain बचता है, जो हमें मिलता है, are the crude stone tools जो कि fashion उन्होंने किए थे and used by the men for hunting along with the other purposes. Now ये जो tools हैं, it was often found lying along the terraces of the rivers में मिलते हैं, where the ancient man used to roam, जहाँ पे वो लोग घूमते थे, और in search of the wild games, और हमें caves में मिलते हैं, rock shelters में मिलते हैं, जब वहाँ पे जहाँ रहते थे. So जो ये जो stage है, when stone was widely used, उसको कहते हैं stone age, और ये three phases में divide है, that was the early, middle and the late phase, on the basis of quality of stone tools used. जो उनकी जो स्टोन टूल्स की क्वालिटी है उस बेसिस पे ये अर्ली मिडिल और लेट पे डिवाइडेड है. सो मैन वॉज ऑल टोटली डिपेंडेंट था एट दैट टाइम ऑफ नेचर फॉर द फूड सप्लाई. जो फर्स्ट टूल्स मेड बाय देम सर्व मेनी पर्पस, वो काफ़ी पर्पस सर्व करते थे जो उन्होंने ये टूल्स जो बनाए थे, सच एज स्किनिंग ऑफ डेड एनिमल्स, कटिंग देयर फ्लैश एंड स्प्लिटिंग बोन्स एक्सेट्रा. ओके नाउ और जो एक्सपीरियंस है, ये टू लर्न बाय द एक्सपीरियंस हाउ टू चिप स्टोन्स करेक्टली and to manufacture stone tools for the specific needs. Okay, so there are basically three distinct classes of the tools jo represents karte hai corresponding three stages of the man progress. Okay, now ye jo first two or three, ye jo first stage hai, that was the early stone tools hai. Theek hai, first stage ye jo pebble tools hai usko chopper ki tarah use kiya jata tha. अब ये कैसे बनता था, इट वॉज मेड बाई चिपिंग पार्ट ऑफ अ पेबल टू प्रोड्यूस अ शार्प कटिंग एज, उसको शार्प कटिंग एज उसको प्रोड्यूस कर देता. सेकेंड इज ये जो है ये हैंड एक्स है. ओके ऑन ऑल पर्पज टूल है ये, जनरली जो पियर शेप होता था फिर अ कॉन्टिन्यूस वर्किंग एज ऑन दी बोथ साइड होता था. थर्ड जो है, थर्ड इज ए क्लीवर है. क्लीवर इट शोइंग अ वाइट चिसल एज, इसकी ये जो वाइट चिसल एज है. सेकेंड इज 4 to 7, ये मिडिल स्टोन टूल्स हैं, दीज आर दी बोरर. और ये जो है सेकेंड, सॉरी फिफ्थ वन इज दी एरो हेड, दिस इज दी स्क्रैपर एटसेट्रा. ओके नाउ जो लेटेस्ट स्टोन टूल्स हैं, दैट इज फ्रॉम 8 to 12, ये जो लेटेस्ट स्टोन टूल्स हैं दीज आर दी पॉइंट, क्रिसेंटिक प्लेट, ओके स्क्रैपर एक्सेट्रा. और ये जो सम है, इट वॉज यूज फॉर द किलिंग द फास्ट मूविंग एनिमल्स, को यूज किए जाते थे मारने में. ओके सो ये जो स्टेज है, इट रिफ्लेक्ट द स्पेशलाइज एंड द इंक्रीजिंग इफिशियंट फूड कलेक्शन, जो कि लीड करता था टू द अपीयरेंस ऑफ द बिगनिंग ऑफ प्लांट कल्टिवेशन. नाउ ये जो है, ये जो टूल्स हैं, दिज आर द न्यू स्टोन एज टूल्स और बेसिकली द न्यूलिथिक एज टूल्स. सो न्यूलिथिक जो एज है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज. ये जो टाइम था वेन मैन जो थे कम्प्लीटली चेंज हिज वे ऑफ लाइफ. सो इससे पहले क्या होता था, बिफोर जो मैन थे, इट वॉज डिपेंड ऑन द हंटिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग द वाइल्ड प्लांट्स. नाउ इन द न्यू वे ऑफ लाइफ, दैट इज द न्यूलिथिक एज, ही बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था एनिमल को, एट द सेम टाइम्स कल्टिवेट प्लांट्स. ओके सो जो डॉग थे, गोट थे एंड द शीप वर प्रोबेबली दी फर्स्ट ऑफ द एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था. अमंग प्लांट्स जो वीट है और जो वॉल है, इट वॉज द अर्लीस्ट सीरियस ग्रोन. सो इन ऑर्डर टू डू दिस, जो मैन को था, हैड टू सेटल डाउन इन द सेलेक्टेड एरिया, जो कि सेटल लाइफ का उसका स्टार्टिंग हुई थी. सो इन दिस वे इट लीड टू द ग्रोथ ऑफ द विलेज एंड द फार्मिंग कम्युनिटीज. अब जब ग्रोथ हुआ, दैट इज अ विलेज एंड द फार्मिंग कम्युनिटीज का, डेफिनेटली ही नीडेड द सर्टन टूल्स जो कि उनको हेल्प करें क्लियर द लैंड करने में, एट द सेम टाइम्स अदर विच कुड प्रिपेयर द लैंड फॉर द कल्टिवेशन. एक तो क्लियर द लैंड करें और दूसरा हेल्प करें लैंड को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द कल्टिवेशन. सो एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिक्वायर्स द वेसल्स को भी चाहिए था टू स्टोर his surplus grain or to hold liquids. Okay, so this necessarily led him to make the earthen pots. Jo earthen pots the, although we have already covered, jo humne dekha tha, it was made by plastering clay around the basket. Usko plaster kar diya jata tha, jo ek basket ke around clay ko, to usse ban jata tha. Later they were made without using the basket, aur usko fir fire baked karne lage the taki jo water hai percolate na kar paaye on the, theek hai. ओके नाउ ये जो फर्स्ट है, इट वॉज अ वेट डिगिंग स्टिक दैट वॉज यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड. ये जो टूल्स है, इट वॉज यूज फॉर द डिगिंग द ग्राउंड. और ये जो टूल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टोन मेस हेड, ये जो स्टोन मेस हेड है विद अ वुडन स्टिक
शार्पनिंग टू अ पॉइंट, और ये जो उसकी टिप शार्पन है, दिस पॉइंट इज यूज फॉर मेकिंग अ होल इन द ग्राउंड इन विच जो सीड को प्लेस कर दिया जाता था। पहले उसको एक होल करके ग्राउंड में सीड को वहां पे डाल दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट इज ये एक सिकल है। सिकल इट वॉज यूज फॉर द हार्वेस्टिंग। ये जो टूल्स है, इट वॉज मेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ द स्मॉल टूल्स ब्लेड्स हाफ्टेड इन अ कर्व वुडन स्टिक। नेक्स्ट इज ये एक्स है, an axe that was used for the cutting and the felling of the trees. और ये जो tools है, it was made of the hard stone, जो हमने देखा था, that is a flint, and the same time some chipped in the ground to an edge, after which it was hafted to a wooden stick. उसको लगा दिया जाता था उसमें। The fourth one is the cone, cone and mortar. अब ये जो है, इसको use किया जाता था for the grinding the rains. Now जो later 5 to 8 हैं, it was the various types of pottery. ओके, जो हेल्प करती थी ग्रेन्स को, जो सरप्लस ग्रेन्स होता था उनको रखने में।